देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। लकड़ी की बल्ली पर टिकी है सरकारी स्कूल की छत, यहाँ मौत के साए में पड़ रही हैं छात्राएं। यह सारा मामला रायसेन मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश सरकार अक्सर ही प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर जोर देने और इसे बेहतर बनाने की बात करती है, लेकिन जब सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं पर नजर डाले तो यह सरकार के सारे दावे खोखले साबित होते हैं। राज्य के रायसेन जिले की गैरतगंज स्थित शासकीय कन्याशाला की हालत देख कर भी ऐसा ही लगता है कि सरकार की स्कूली छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। सरकार का दावा पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां खोखली हैं। दरअसल जिले के गैरतगंज स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लकड़ी की बल्लियों पर टिकी है, वहीं प्रैक्टिकल लैब में पानी भरा है। स्कूल में शिक्षक का अभाव, जिसके चलते यह स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रही है, यह तो आज के स्कूलों का हाल है। यह स्कूल प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के गृह क्षेत्र में आता है और विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी। स्थिति है कि बरसात में छत में पड़ी दरारों से पानी टपकता है, बच्चे पढ़ने जाएं तो कहां जाएं, साथ ही छात्राओं के ऊपर स्कूल की छत गिरने का भी खतरा मंडराता रहता है। कुछ ही दिन पहले गिरते पानी के कारण छत का एक हिस्सा गिर भी चुका है। गनीमत है कि कोई छात्रा उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। आपको बताते चले कि स्कूल में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। आश्चर्यजनक रूप से इसमें 576 छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस स्कूल का भवन 70 साल पुराना है। वर्षों पुराने इस भवन की छत और दीवारों में दरारें हैं, बरसात में पानी टपकता है, शिक्षण कार्य हो नहीं सकता। स्कूल आने वाली छात्राओं की संख्या घटती जा रही है, जर्जर हो चुके इस स्कूल से मरने का भी खतरा बना है। सरकार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें केवल एक भ्रमित करने का तरीका नजर आती हैं, हालांकि सच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। छात्र छात्राओं को जर्जर भवन में बैठकर ही शिक्षा अर्जित करनी पड़ती है। स्थिति यह भी है कि भवन कब धराशायी हो जाए, कौन हताहत हो जाए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ये जानकारी सरकार को है, पर वह उन स्कूलों के पुनर्निर्माण पर कोई ध्यान नहीं दे रही। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।